स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं, पूरी डिटेल बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिले। मैं लेकर के आया हूँ परमानेंट जो है TGT PGT PRT की वैकेंसी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, उसकी पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। इससे पहले भी एक मार्च में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो आपने BHU में जो TGT PGT की रिक्वायरमेंट जारी हुई थी उस वीडियो को बड़ा प्यार दिया था। तो आप भी अगर कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो वो कमेंट्स को बॉक्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। मैं फिर भी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करूँगा, अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जो कि वाराणसी में है, और इसकी लास्ट डेट अगर अप्लाई करने की बात करें तो 12 जुलाई 2024 है। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी को भेजने हैं, वो भेजने आपको 17 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे तक भेजना है। अब हम इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपये रहने वाली है, पेड ऑनलाइन विद द कैंडिडेट जनरल EWS और OBC कैटेगरीज के लिए, ग्रुप ए के लिए, पोस्ट ऑफ द 100 बाय द कैंडिडेट जनरल EWS और OBC के लिए। और ग्रुप बी की बात करें, पोस्ट ऑफ नॉन एप्लीकेशन फीस द चार्ज ऑफ द कैंडिडेट SC ST PWD कैटेगरीज एंड वुमेन कैंडिडेट द एप्लीकेशन फीस द पेड ऑफ द पेमेंट गिवन द ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, तो देखिए तीन स्कूलों की रिक्वायरमेंट जारी हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय है। और यहाँ से जो रिक्वायरमेंट है देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन वैलिड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फॉर द ऑनलाइन फॉर्म एलिजिबल द रिक्वायरमेंट एंड द असिस्टेंट सेल्फ पोर्टल एंड BHU फॉर्म प्रिंसिपल PGT TGT PRT एंड द स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी एज पर द पे मैट्रिक्स इंडस्ट्री बिलोंग। तो ऑल इंडिया के कोई किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल का जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो OBC की पोस्ट है, OBC में अप्लाई कर सकता है, अगर जनरल में है तो जनरल में अप्लाई कर सकता है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको करूँ तो इन्होंने जो है ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा है, तो ग्रुप ए को उन्होंने प्रिंसिपल में रखा है। और इसका जो सैलरी की बात करें लेवल 12th के हिसाब से सैलरी यानी कि 78,800 से लेकर के इनकी जो सैलरी है वो 2,09,000 रुपये तक बनेगी। अब बात करते हैं TGT लेवल 7 के हिसाब से सैलरी वाली 1,90,900 से रहने वाली 47,900 से, PRT में टोटल देखिए लेवल 6 के हिसाब से है। अब मैं बात करता हूँ देखिए प्रिंसिपल और इन्होंने जो है जो ब्रांच है तीन स्कूल की किस किस में रिक्वायरमेंट है, तीनों में एक एक ब्रांच प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है कि GHBS के 1 पोस्ट है, यानी कि तीनों जो स्कूल मैंने आपको बताए थे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, तीनों में एक एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के लिए, तो हिंदी में 1 पोस्ट है ST की, इंग्लिश में 1 पोस्ट है जनरल की, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है OBC की, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है जनरल की, साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है जनरल की, हिस्ट्री में 1 पोस्ट है जनरल की, दर्शन में 1 पोस्ट है जनरल की, फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है OBC की और फिजिक्स में 1 पोस्ट है SC की। अब बात करते हैं हम TGT की बात हम करते हैं, तो इंग्लिश में देखिए टोटल जो है OBC की पोस्ट एक है, मैथमेटिक्स में दोनों जनरल की हैं, दो SC की हैं, एक SC की और एक OBC की है, उर्दू में 1 पोस्ट है, संस्कृत में 1 पोस्ट है, सोशल साइंस स्टडीज़ में 1 पोस्ट है, साइंस में 1 देख सकते हैं 3 पोस्ट रहने वाली हैं, हिंदी में 1 पोस्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी में 2 पोस्ट हैं, होम साइंस में 1 पोस्ट है और व्याकरण में 1 पोस्ट है, ज्योतिष में 1 पोस्ट है, साहित्य में 1 पोस्ट है, वेदा में 1 पोस्ट है, दर्शन में 1 पोस्ट है, म्यूजिक में 1 पोस्ट है, म्यूजिक वोकल में 1 पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है और एग्रीकल्चर में 1 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी टीचर्स PRT में टोटल 4 पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं पॉइंट ऑफ टू जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हमें चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम स्कूल टीचिंग पोस्ट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए, मास्टर डिग्री हो आप जो है 50% मार्क्स के साथ प्लस BEd है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस हो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी जो है आपने स्कूल्स में पढ़ाया हो, सैलरी पैकेज आपका इतना रहा हो, तो आप देख सकते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके होने चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 35 से 55 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद में PGT की हम बात करते हैं, देखिए PGT इंग्लिश में होने चाहिए, PGT हिंदी है और PGT मैथ है, PGT हिस्ट्री है, PGT इकोनॉमिक्स है, PGT साइकोलॉजी है, PGT दर्शन है, PGT फिजिकल एजुकेशन है। तो जिस सब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट जारी है उसमें PGQ है प्लस BEd है आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर अधिकतम है। उसके बाद में
बात करते हैं, पीजीटी का रिफ्यूजी स्कूल है एम पी एड हो 50% मार्क्स के साथ प्लस हिंदी जो टीचिंग है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपने की हो, नॉलेज कंप्यूटर के होने चाहिए और एज लिमिट की बात करें तो 14 वर्ष में अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करते हैं तो फोर ईयर इंटीग्रल डिग्री कोर्स एरिजिनल कोर्स ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन प्लस बैचलर डिग्री यानी कि बीएड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर संस्कृत के लिए तो दे सकते हैं, फॉर टीजीटी संस्कृत है, फॉर टीजीटी हिंदी है, फॉर टीजीटी इंग्लिश है, फॉर टीजीटी उर्दू है, टीजीटी सोशल स्टडीज़ है, फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स है, फॉर टीजीटी साइंस है, फॉर टीजीटी देख सकते हैं होम साइंस है, टीजीटी इंग्लिश एग्रीकल्चर से, टीजीटी व्याकरण है और टीजीटी साहित्य है, टीजीटी ज्योतिष है, टीजीटी वेदा है और टीजीटी दर्शन है। तो देखिए ये जो है हमारी एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कंपलसरी प्लस ग्रेजुएशन है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक की बात करें तो देखिए मास्टर डिग्री की आपने ग्रेजुएशन किया हो मास्टर म्यूजिक के साथ 50% मार्क के साथ प्लस बीएड है आप और आपकी जो एज लिमिट है वो 35 होनी चाहिए। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड आपको होने चाहिए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएलएड किया हो या डीएड किया हो प्लस सीटेट आप क्वालिफाई हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना, देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है एप्लीकेशन फिल करते समय तो आप requirement@bhu.ac.in पर भी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं मेल कर करके। और देखिए आपको अप्लाई कैसे करना, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको बात बताई थी कि रजिस्ट्रेशन आपको जो काउंट होगा वो 17 जुलाई 2024 के हिसाब से वो क्या होगा। उसके बाद में देखिए हम बात करते हैं जो उसकी आपको जो है ऑनलाइन करने के बाद एप्लीकेशन वेडेड फॉर द ऑनलाइन मोड द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म द एलोंग द रिसोर्स मस्ट बी द सेंट ऑफ द ऑफिस एंड रजिस्ट्रार, आपको वहां पर रजिस्ट्रार को भेज देना है। डॉक्यूमेंट्स और असिस्टेंट सेल होकर हाउस BHU बनारसी 221005 UP ऑन द बिफोर 17 जुलाई 2024 को आपको भेज देना। नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 13 जून 2024 को ये जारी हुआ था तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और आप भी अगर इस तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए।